उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम पंचायत मलपुर लोहराई में जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय में पढ़ाई न होने से सविता मौर्य जैसे सैकड़ों बच्चे लगभग 2 किलोमीटर दूर छोर विद्यालय में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। तो आप इतना दूर क्यों जाती हो पढ़ने? विद्यालय नहीं चलता। किस गांव में से आप आती हैं पढ़ने? आप कहाँ जा रहे हो पढ़ने? छिछोर। स्कूल नहीं चलने से क्या क्या परेशानी होती है आपको? हम लोग को लंबा जाना पड़ता है स्कूल। अच्छा, ये विद्यालय में बच्चे आते हैं क्या? नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं। ये कितने दिन से ऐसा हाल है? अरे 2-3 साल से समस्या के पढ़ाई उन लोगों की बेवधाई होती है, बच्चे आते नहीं हैं, फिर वो आते भी हैं तो गुरु जी लोग ना आते नहीं हैं, बस आकर 26 जनों को झंडा फहरा कर चले जाते हैं। हमारे विद्यालय में इस वक्त 7 बच्चों का एडमिशन है, नाम है, स्टाफ 2 लोग हैं हम लोग। इस स्कूल में कई महीने से पढ़ाई नहीं होती है ऐसा अभी लोग बता रहे थे। नहीं, ऐसा है कि अभी जो है हम लोग नवंबर माह से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए हैं और आने के बाद यह विद्यालय बंद था, जो विद्यालय बंद थे उसी पर हम लोगों की नियुक्ति की गई है और नियुक्ति के बाद हम लोग प्रयासरत हैं कि भाई विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जाए। अरे बहुत दिनों जब से खुला है तब से ऐसे ही चल रहा है, टीचर कोई दिखता ही नहीं, टीचर क्या नियुक्ति है मगर कोई आता नहीं, बच्चे आए पर वो भी नहीं आते, जब टीचर नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। हम लोगों ने तो प्रयास बहुत किया पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या करें। ब्लॉक पे गए और उससे बोला, जो अधिकारी है उनसे बोला, और ये विद्यालय हमारा टाइम से खुलता ही नहीं ना, यहाँ पे कोई टीचर आता है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि लोगों का कहना है कि विद्यालय नहीं चलता है, बच्चों का कहना है पढ़ाई नहीं होती है। मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध करूँगा कि आप इस मामले को जाँच करके विद्यालय को पुनः चालू कराने का कृपा करें, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। बेसिक जिला अधिकारी का नंबर है 9453004107 पर फ़ोन कर दबाव डालें और हमारा सहयोग करें। मैं सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।